चरखारी। माँ दुर्गा मूर्ति विसर्जन, दशहरा, ईद, मिलादुन्नबी आदि पर्व उत्साह एवं प्रेम भाव के साथ मनाए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें तथा स्वयं व समाज की सुरक्षा के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। थाना चरखारी में आयोजित पीस कमेटी की बैठक में उक्त उद्गार SDM चरखारी रमेश कुमार ने व्यक्त किए। माँ दुर्गा मूर्ति विसर्जन, दशहरा, ईद, मिलादुन्नबी पर्व पर थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपजिलाधिकारी ने रमेश कुमार ने कहा कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के बड़े पर्व हैं, जिसमें विगत वर्षों में भीड़ भाड़ के साथ संपन्न होते आए हैं, लेकिन कोविड-19 ने आज की स्थितियों को बदल दिया है। कोरोना के चलते भीड़ को एकत्र होने से रोका जाना आवश्यक है, जिसकी जिम्मेदारी केवल प्रशासन की ही नहीं बल्कि सभी की मिलीजुली जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि माँ दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन का समय 5 बजे तक निर्धारित किया गया है, इसीलिए समय का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यक्रम में पूरे कार्यक्रम में DJ किसी भी तरह से प्रतिबंधित हैं, इसलिए DJ का प्रयोग ना किया जाए। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए जाने के निर्देश SDM ने दिए तथा आयोजन समिति से कार्यक्रम आयोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। बैठक में मूर्ति विसर्जन के दौरान नाव व गोताखोरों की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश नगरपालिका के लेखाकार अयूब खां को दिए गए। पुलिस उपाधीक्षक चरखारी उमेश चंद्र ने कहा कि दोनों ही पर्व उत्साह के पर्व हैं तथा दोनों ही समुदाय भाईचारे का संदेश देते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हुए चरखारी की पुरातन संस्कृति को कायम रखें। बैठक में तहसीलदार चरखारी परशुराम पटेल, वरिष्ठ उपनिरीक्षक मुबीन अली, पुलिस चौकी चरखारी प्रभारी विनोद कुमार, अधिशासी अधिकारी नगरपालिका KK सोनकर, SDO विद्युत प्रवीण कुमार, अपर अभियंता अंबिका पटेल, व्यापारी कैलाश ताम्रकार, भाजपा युवा नेता युवराज सिंह सेंगर, सपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष नियाज अहमद खां उर्फ मोनू खां, रमजान रायन, हाजी ताजुद्दीन, निसार अहमद, अतहर खां, तेज प्रताप सिंह, रामबाबू गुप्ता सहित समिति के सदस्य व गणमान्य लोग मौजूद रहे। खबर समय जगत के लिए चरखारी से ब्रजेश द्विवेदी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।